कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए CGPSC की पाठशाला क्लासेस को और करें अपने CGPSC एंड व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, मैं निखिल कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSE पाठशाला में। CGPSE पाठशाला में आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय दो जनसंख्या पर। CGPSE पाठशाला का छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 और छत्तीसगढ़ एवं केंद्रीय बजट 2024-25 का बुक मार्केट में अवेलेबल है। इस बुक को आप इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं। यहाँ पे शहरों के नाम, बुक डिपो के नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के आप हमारे आर्थिक सर्वेक्षण के बुक को खरीद सकते हैं। साथ ही साथ हमारे मोबाइल ऐप CGBooksCart में भी जाकर के आप CGPSE ई पाठशाला के आर्थिक सर्वेक्षण के बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। CGBooksCart मोबाइल ऐप में आपको CGPSE ई पाठशाला के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट, अन्य पब्लिकेशन के बुक अवेलेबल हो जाएंगे, जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। आप सभी के लिए एक और जानकारी है, CGPSE ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का ऑनलाइन बैच शुरू हो रहा है 15 मई 2024 से। इसका रजिस्ट्रेशन ओपन है। CGPSE ई पाठशाला के मोबाइल ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी क्लासेस शुरू होगी 15 मई 2024 से। जो भी स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, वे प्ले स्टोर में जाकर के CGPSE ई पाठशाला के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर इस बैच में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं 15 मई 2024 से पहले। समय रहते अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा, क्लासेस 15 मई से स्टार्ट हो जाएगी। चलिए टॉपिक पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अध्याय दो जनसंख्या, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का अध्याय दो इस बार काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस अध्याय दो में छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों के जनसंख्या संबंधित आंकड़े दिए गए हैं। जो बाद में छत्तीसगढ़ में आपके 5 नए जिलों का गठन हुआ था, उन 5 नए जिलों के आंकड़ों को भी इस बार शामिल किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम की दृष्टिकोण से, ठीक है, क्योंकि इसमें नए जिलों से संबंधित भी आंकड़े दे दिए गए हैं। अध्याय दो जनसंख्या, नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अनुसार 33 जिलों पर आधारित, ये जो आंकड़े है ये 33 जिलों पर आधारित है और ये आंकड़ा जारी किया गया है नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। और ये जो डाटा है ये 1 मार्च 2024 तक की स्थिति में है, लेटेस्ट डाटा है, ठीक है। देखिए जनगणना 2021 के ऑफिशियल डाटा अभी तक नहीं आए हैं। हमारे देश में दार्शनिक जनगणना होती है 2001 के बाद, 2011 के बाद, 2021 में जनगणना के आंकड़े आ जाने चाहिए थे, लेकिन पहले कोरोना काल आया, कोरोना काल के बाद इलेक्शंस आए, इस कारण से अभी तक जनगणना 2021 के आंकड़े अभी तक नहीं आए हैं। ये जो डाटा है ये नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के डाटा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 33 जिलों के जनसंख्या संबंधित डाटा पब्लिश किए गए हैं, ठीक। देखिए अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की जनसंख्या की, तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है आपका 3.05 करोड़। छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या कितनी है? 3.05 करोड़। अगर 2011 की जनगणना के आधार पर पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या थी 2.55 करोड़, और अभी कितनी है? 1 मार्च 2024 तक की स्थिति में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी पहुंच गई है? 3.05 करोड़, 3.05 करोड़। अगर छत्तीसगढ़ में पुरुष आबादी कितनी है, पुरुषों की जनसंख्या कितनी है पूछा जाए तो 1.53 करोड़, 1.53 करोड़, और महिलाओं की आबादी कितनी है पूछा जाए तो 1.52 करोड़, 1.52 करोड़। देखिए ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 1.53, 1.52। छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या 3.05 करोड़, पुरुषों की कुल जनसंख्या 1.53 करोड़, महिलाओं की कुल जनसंख्या 1.52 करोड़। अगर अनुसूचित जाति वर्ग की जनसंख्या की बात की जाए, SC कैटेगरी, शेड्यूल्ड कास्ट की बात की जाए, तो छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति वर्ग की जनसंख्या है 42.27 लाख, 42.27 लाख, ये आपके अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट की जनसंख्या है। और अनुसूचित जाति में पुरुष वर्ग की जनसंख्या कितनी है पूछा जाए तो वो है आपका 21.19 लाख, यानी कि 21.19 लाख आबादी है पुरुषों की अनुसूचित जनजाति वर्ग की।
और महिला वर्ग अनुसूचित जनजाति सॉरी अनुसूचित जाति जनसंख्या कितनी है पूछा जाए शेड्यूल्ड कास्ट, तो वो है आपका 21.08 लाख, 21.08 लाख। ठीक, छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजाति एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी जनसंख्या कितनी है, तो वो है आपका 90.51 लाख, 90.51 लाख छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति वर्ग की कुल जनसंख्या है। छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति पुरुष वर्ग की जनसंख्या कितनी है पूछा जाए तो 44.67 लाख, 44.67 लाख, 44.67%। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग की जनसंख्या कितनी है पूछा जाए तो 44.84 लाख, 44.84 लाख, ये महिला अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ करके आंसर सेलेक्ट करना, कुल जनसंख्या पूछ रहा है, पुरुषों की पूछ रहा है, महिलाओं की पूछ रहा है, अनुसूचित जाति पूछ रहा है या अनुसूचित जनजाति पूछ रहा है या अनुसूचित जनजाति पुरुष वर्ग की आबादी पूछ रहा है। ठीक है, तो अपने आंसर को उसके हिसाब से लीजिएगा। तो छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति जनसंख्या कितनी है 42.27 लाख, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कितनी है 90.51 लाख, छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या कितनी है 3.05 करोड़। ठीक, पुरुष वर्ग और महिला वर्ग इसे आप याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सेक्स रेशियो यानी कि लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता है, 1000 पुरुषों या बालकों, ठीक है, जिसे आप मेल कैटेगरी में भी डाल सकते हैं, 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कितनी है, किसी एक क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कितनी है, यह कहलाता है आपका लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो। अगर हम जो 1 मार्च 2024 तक की स्थिति में अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ का कुल लिंगानुपात है 992, यानी कि छत्तीसगढ़ में प्रति 1000 पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाओं की संख्या कितनी है 992। छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति एससी शेड्यूल्ड कास्ट लिंगानुपात कितना है पूछा जाए तो वो है आपका 995, यानी कि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति वर्ग में शेड्यूल्ड कास्ट में प्रति 1000 पुरुषों के कंपैरिजन में 995 महिलाएं हैं। अनुसूचित जनजाति एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब लिंगानुपात कितना है, यह है 1026, यानी कि छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति में 1000 पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाओं की संख्या 1026 है, यानी कि पुरुषों से ज्यादा है, ये दोनों में कम है। ठीक है, कुल लिंगानुपात और अनुसूचित जाति लिंगानुपात कम है, लेकिन अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात ज्यादा है। कथन आधारित प्रश्न भी बन सकता है, एक आदि कथन दे देगा कि 1 मार्च 2024 तक की स्थिति में छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात पुरुषों की तुलना में कम है। डाटा नहीं पूछेगा, पुरुषों की तुलना में कम है, तो वो कथन क्या होगा, वो कथन होगा गलत। क्या है, पुरुषों की तुलना में ज्यादा है। ठीक, नेक्स्ट डाटा देखिए, नेक्स्ट है आपका कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो। अब ये कार्यशील जनसंख्या या कार्यशील अनुपात, जनसंख्या अनुपात या जनसंख्या प्रतिशत, ये होता क्या है, डेफिनेशन बता रहा हूं, पहले ध्यान समझ लेना। 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग, देखिए 59 वर्ष के बाद के लोगों को सीनियर सिटीजन यानी कि उन्हें जो है वृद्ध मान लिया जाता है, और यहां 15 वर्ष दिया गया है, 15 से पहले क्या था 14 वर्ष, 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोगों को जो है यानी कि बच्चों को चाइल्ड लेबर बाल श्रमिक के रूप में कंसीडर किया जाता है, उनसे किसी प्रकार किसी फैक्ट्री में काम नहीं लिया जा सकता। तो 14 वर्ष से कम हुआ
तो क्या चाइल्ड लेबर में काउंट हो जाएंगे? 59 वर्ष से अधिक हुए तो उन्हें जनरली जो है सीनियर सिटीजन या वृद्ध उन्हें कंसीडर किया जाता है। उसके बीच का आयु वर्ग 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे लोग जो किसी न किसी कार्य में संलग्न है, कार्य करने में सक्षम है, कार्य करने की इच्छा रखते हैं, उन सभी को कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत काउंट किया जाता है। अब देखिए यहां पे ध्यान समझना, जो लोग कार्य कर रहे हैं उनकी बात नहीं हो रही है, ऐसे लोग जो किसी न किसी कार्य में तो लगे हुए हैं, इनके अलावा वे भी लोग जो कार्य करने में सक्षम है, ऐसे लोग जो कार्य करने की इच्छा भी रखते हो, उन सभी को जो है कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत काउंट किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए किसी जगह की आबादी जो है 1000 की आबादी है, 1000 में से 500 लोग जो है ये किसी न किसी कार्य में, किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में, किसी गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं। बचे हुए 200 लोग जो है ये भी कार्य करने में सक्षम है, लेकिन क्या है, बेरोजगार है। और भी जो कुछ मान लीजिए बाकी जो 300 लोग हैं, ये लोग भी कार्य करने की इच्छा करते रखते हैं, लेकिन ये भी बेरोजगार है। यानी कि उनमें कैपेबिलिटी तो है कार्य करने की, लेकिन फिलहाल ये कार्य नहीं कर रहे हैं। कार्य करने में सक्षम है, कार्य करने की इच्छा रखते हो, उन सभी लोगों को भी कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत काउंट किया जाता है। तो 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे लोग जो कि किसी न किसी कार्य में संलग्न हो, कार्य करने में सक्षम हो, कार्य करने की इच्छा रखते हो, उन्हें कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत काउंट किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में कार्यशील जनसंख्या, ये अब तक एग्जाम में 2 बार का पूछा गया प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ की कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत कितनी है, ये है 48.72%, 48.72% छत्तीसगढ़ की कुल कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत है। यानी कि छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली कुल आबादी का 48.72% आबादी किसी न किसी कार्य में संलग्न है, कार्य करने में सक्षम है, कार्य करने की इच्छा रखते हैं, यानी कि कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत है। ठीक, अगर हम इसमें मेल और फीमेल क्लासिफाइड करें, पुरुष कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत कितना है पूछा जाए तो वो है 57.97%, 57.97%, और महिला कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत कितना है पूछा जाए तो वो है 39.40%, 39.40%, ये महिला कार्यशील जनसंख्या है। सबसे पहले तो आपको इसको याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में 2 से 3 बार का पूछा गया प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ की कुल कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत कितना है, तो 48.72% छत्तीसगढ़ की कुल कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत है। नेक्स्ट देखिए, ये सारे के सारे आंकड़े जो है हमारे आर्थिक सर्वेक्षण के बुक से ही मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। अगर कुछ चीज़ शो नहीं हो रहा होगा तो बुक में जाकर के एक बार देख लीजिएगा, या वीडियो क्वालिटी को 720 पिक्सल में कम से कम जाकर के देखिएगा, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें लिखी हुई है, चीज़ें आप अगर कम क्वालिटी में देखेंगे यूट्यूब पे तो वो दिखती नहीं है। 144 पिक्सल तो अब मार्केट से ही बाहर हो गया है, कम से कम इसको जो है आप 360 और 720 पिक्सल के आसपास अपने क्वालिटी को सेट करके देखिएगा, तभी चीज़ें नज़र आएगी बोर्ड पे लिखी हुई। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ जनसंख्या 1 मार्च 2024 तक की स्थिति में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या, हमने छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या कितनी है देख लिया, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति वर्ग की जनसंख्या कितनी है देख लिया, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति वर्ग की जनसंख्या है ये भी देख लिया। अब छत्तीसगढ़ के जो 33 जिले हैं उनमें कितनी कितनी आबादी निवास करती है, देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो पूरे के पूरे 33 जिले के आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं, पूरे के पूरे 33 जिले के आंकड़े इसमें दिए गए हैं, लेकिन आपको कम से कम टॉप 5 जहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, बॉटम 5 जहाँ पे सबसे कम जनसंख्या निवास करती है, और नवगठित जो 5 जिले हैं, ठीक है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़, आपका मोहिला मानपुर, अंबागढ़, चौकी, खैरागढ़, छुई खदान, गंडाई, इन 5 जिलों को आंकड़ों को थोड़ा सा याद रखिएगा जो नवगठित जिले हैं, और कहाँ पे सर्वाधिक, किन 5 जिलों में सर्वाधिक आबादी निवास करती है और किन 5 जिलों में सबसे कम आबादी निवास करती है, इसको याद रखना है। देखिए अगर हम कुल जनसंख्या की बात करें तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है आपके रायपुर जिले में। रायपुर जिले में कितनी जनसंख्या निवास करती है, 27,39,953, लमसम में याद रखिएगा 27 लाख, 27 लाख,
ठीक है। सेकंड नंबर पर है बिलासपुर, बिलासपुर में 20,95,112 इतनी आबादी निवास करती है बिलासपुर जिले में। इसे आप 20.95 यानी कि 21 लाख के आसपास याद रखिए, ठीक। थर्ड नंबर पर है दुर्ग, सभी मेन सिटी है रायपुर बिलासपुर दुर्ग, ये बड़े शहर है छत्तीसगढ़ के। यहाँ पर 19,33,787 यानी कि 19 लाख के आसपास आबादी निवास करती है, ठीक। बलौदा बाजार में 15,07,472 इतनी जनसंख्या निवास करती है बलौदा बाजार में। और पांचवें नंबर पर है कोरबा, जहां पर 14,07,074 इतनी आबादी निवास करती है आपके कोरबा जिले में। तो देखिए याद कैसे रखना है, अगर एग्जैक्ट डाटा याद नहीं हो रहा है तो कम से कम लमसम डाटा को याद रखिएगा। रायपुर में 27 लाख, बिलासपुर में 21 लाख, दुर्ग में 19 लाख, बलौदा बाजार में 15 लाख और कोरबा में 14 लाख इतनी जनसंख्या निवास करती है इन जिलों में। तो टॉप 5 जिले कौन कौन से हैं, रायपुर बिलासपुर दुर्ग बलौदा बाजार। और सबसे कम आबादी किस जिले में निवास करती है पूछा जाए तो देखिए सबसे नीचे तरफ है आपका नारायणपुर जिला, नारायणपुर जिले में निवास करते हैं आपका 1,60,575 जनसंख्या आबादी निवास करते नारायणपुर में। उसके बाद सुकमा, सुकमा में 2,64,755, बीजापुर में 2,71,796, मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी में 3,18,533, कोरिया जिले में 3,18,638। तो ये है बॉटम 5 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। इसके अलावा जो नवगठित जिले हैं जैसे कि खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ठीक है, मोहिला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, सारंगढ़, बिलाईगढ़, सक्ती, इन सभी की भी जनसंख्या को थोड़ा सा याद रखिएगा कितनी कितनी आबादी वहाँ पर है। कम से कम लमसम में डाटा याद रखिएगा, जैसे कि सारंगढ़ बिलाईगढ़ में लगभग 7 लाख के आसपास आबादी निवास कर रही है, खैरागढ़ छुई खदान में 4.5 लाख के आसपास आबादी निवास कर रही है, आपका मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में 4 लाख के आसपास आबादी निवास कर रही है कुल जनसंख्या की, इसको याद रखना। छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या कितनी है पूछा जाए तो देखिए कितनी है, 3,05,24,000 ये छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या है, 3,05,24,000 छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या, ठीक, 3.05 करोड़, ये हो गया कुल जनसंख्या। अब अनुसूचित जाति और जनजाति का भी देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति नहीं, कुल जनसंख्या हो गया। अब हम देखेंगे पुरुष वर्ग, सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या और सर्वाधिक महिला जनसंख्या किस जिले में निवास करती है, टॉप 5, रायपुर, सेकेंड है बिलासपुर, थर्ड है दुर्ग, फोर्थ है बलौदाबाजार, फिफ्थ है आपका कोरबा, सेम टू सेम, ठीक है। रायपुर जिले में 13,87,396, बिलासपुर जिले में 10,64,262, दुर्ग जिले में 9,74,508, बलौदा बाजार जिले में 7,54,266 और कोरबा जिले में 7,12,521। देखिए कई बार क्या है आंकड़े नहीं पूछेगा लेकिन ये प्रश्न पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या के आधार पर जिलों को जो है बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सॉरी, ठीक है, बढ़ते क्रम या घटते क्रम से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको थोड़ा सा सीक्वेंस रीअरेंजमेंट्स के टाइप के क्वेश्चन डाल सकता है एग्जाम में। अगर हम महिला वर्ग की बात करें तो इसमें भी रायपुर बिलासपुर दुर्ग बलौदा बाजार कोरबा सभी का सभी सीक्वेंस सेम है, जैसे कि कुल जनसंख्या, पुरुष जनसंख्या, महिला जनसंख्या, सभी में टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट सेम है। रायपुर में सर्वाधिक 13,52,557 महिलाएं निवास करती है, बिलासपुर में 10,30,849, दुर्ग जिले में 9,59,280, बलौदाबाजार जिले में 7,53,206, कोरबा जिले में 6,94,553 इतनी महिला आबादी निवास करती है, ठीक। अगर हम बात करें बॉटम की, बॉटम 5 डिस्ट्रिक्ट,
सबसे कम, जैसे कि कुल जनसंख्या में भी अगर हम देखें तो नारायणपुर में सबसे कम आबादी निवास करती है, सबसे कम पुरुष आबादी निवास करती है नारायणपुर जिले में, कितना 80,910, और सबसे कम महिला आबादी भी निवास करती है नारायणपुर जिले में, कितना 79,665, यानी कि 79,665। ये है आपका सबसे कम पुरुष आबादी और सबसे कम महिला आबादी निवास करने वाले जिले। अगर इसमें भी देखेंगे तो बॉटम में इसमें भी सुकमा है, ये भी सुकमा है, ये भी सुकमा है, यहाँ पर भी बीजापुर है पुरुष सबसे कम पुरुष आबादी में। अगर हम देखें बॉटम 5 डिस्ट्रिक्ट की, बीजापुर यहाँ के बॉटम 3 के सेम है, ठीक है, यहाँ पर चेंज हो गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोरिया है और यहाँ पर मोहिला मानपुर अम्बागढ़ चौकी दे दिया है, ठीक, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है तो 1.53 करोड़, और छत्तीसगढ़ में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है 1.52 करोड़। कम से कम टॉप 5 स्टेट जहां पे सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती, टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट जहां पे सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, और बॉटम 5 डिस्ट्रिक्ट जहां पे सबसे कम जनसंख्या निवास करती है, कुल पुरुष वर्ग महिला वर्ग, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट जनसंख्या की 1 मार्च 2024 तक की स्थिति में, छत्तीसगढ़ में किन जिलों में सर्वाधिक अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट निवास करती है? सबसे पहले नंबर पर है रायपुर, सेकंड नंबर पर है बिलासपुर, थर्ड नंबर पर है बलौदा बाजार। टॉप 3 देखिए, रायपुर जिले में 4,70,572 अनुसूचित जाति निवास करती है, बिलासपुर जिले में 4,66,798, बलौदा बाजार जिले में 4,47,880। इसमें टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट को कम से कम याद रखिए। अगर हम बात करें पुरुष जनसंख्या की, अनुसूचित जनजाति पुरुष जनसंख्या, सबसे पहले नंबर पर है आपका बिलासपुर, बिलासपुर में 2,37,286, रायपुर में है 2,34,807, और बलौदा बाजार में है 1,74,676, ये आबादी निवास करती है पुरुषों की अनुसूचित जाति वर्ग में। और अनुसूचित जाति महिला जनसंख्या की बात की जाए तो अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट महिला जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है रायपुर में 2,35,765, सेकेंड नंबर पर है बिलासपुर 2,29,512, और थर्ड नंबर पर है बलौदा बाजार 1,73,204, ठीक। अगर हम बॉटम 3 डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो देखिए, सबसे कम अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट जनसंख्या निवास करती है सुकमा जिले में, सबसे कम अनुसूचित जाति वर्ग की बात हो रही है, निवास करती है सुकमा जिले में, कितना, मात्र 1,616, इतनी आबादी निवास करती है अनुसूचित जाति वर्ग की सुकमा जिले में। उसके बाद सेकंड लास्ट है नारायणपुर, जहां पे 5,958, थर्ड लास्ट है आपका दंतेवाड़ा 9,301, ठीक। अगर हम बात करें अनुसूचित जाति पुरुष जनसंख्या न्यूनतम किस जिले में है तो अनुसूचित जाति पुरुष जनसंख्या न्यूनतम है सुकमा जिले में, कितना, 921, नारायणपुर जिले में है 3,055, और दंतेवाड़ा जिले में है 4,747। अनुसूचित जाति महिला जनसंख्या सबसे कम किस जिले में है, सुकमा 695, उसके बाद सेकंड लास्ट है नारायणपुर 2,903, और थर्ड लास्ट है आपका दंतेवाड़ा 4,554। छत्तीसगढ़ की कुल अनुसूचित जाति जनसंख्या है 42,27,751। छत्तीसगढ़ में कुल अनुसूचित जाति पुरुष जनसंख्या है 21,19,278, और छत्तीसगढ़ में कुल अनुसूचित जाति महिला जनसंख्या है 21,08,473। पहले ही स्लाइड में मैंने आपको पूरा ओवरव्यू पहले ही बता दिया है, ठीक है, ये इसको हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति। देखिए पर्दे में ना ये टॉपिक काफ़ी बोरिंग लगता है, क्यों, क्योंकि ये आंकड़े हैं, केवल इसमें आपको आंकड़े ही रटने हैं। टॉप
डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से है, बॉटम डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से है, छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या कितनी है, छत्तीसगढ़ की कुल अनुसूचित जाति जनसंख्या कितनी है, छत्तीसगढ़ की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कितनी है, ये पढ़ने में थोड़े से बोरिंग लग सकते हैं लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की भी संभावना इससे ज़्यादा है क्योंकि पूरे 33 जिलों के आंकड़े दे दिए गए हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या सर्वाधिक किस जिले में है, तो सर्वाधिक है आपके बस्तर जिले में। बस्तर जिले में आपका 6,05,049 इतनी अनुसूचित जनजाति आबादी निवास करती है। कितनी? 6,05,049। सेकेंड नंबर पर है जशपुर, जहां पर 5,86,896 अनुसूचित जनजाति आबादी निवास करती है। थर्ड नंबर पर है कोरबा, 5,64,004, जहां पे आपके कोरबा जिले में 5,68,004 अनुसूचित जनजाति आबादी निवास करती है। फोर्थ नंबर पर है सरगुजा, 5,60,129, और फिफ्थ नंबर पर है बलरामपुर, 5,51,602। इसमें भी टॉप 5 को कम से कम याद रखिएगा, इसके सीक्वेंस को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का सीक्वेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ जनजाति बहुल एक राज्य है और जनजाति वाले टॉपिक से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से है? सबसे पहले नंबर पर बस्तर, दूसरे नंबर पर जशपुर, तीसरे नंबर पर कोरबा, चौथे नंबर पर है आपका सरगुजा और पाँचवें नंबर पर है बलरामपुर। अगर हम बात करें अनुसूचित जनजाति पुरुष जनसंख्या सर्वाधिक किस जिले में है, तो फर्स्ट है बस्तर, सेकेंड है जशपुर, थर्ड है कोरबा, फोर्थ है सरगुजा, फिफ्थ है बलरामपुर। सेम कुल जनसंख्या के जैसे 2,95,329 पुरुष अनुसूचित जनजाति जनसंख्या निवास करती है बस्तर में। ठीक है, दूसरे नंबर पर है जशपुर, छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली कुल पुरुष अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का 2,90,268 पुरुष जनसंख्या निवास करती है। कहाँ पर ये निवास करती है? आपके जशपुर जिले में। कोरबा जिले में 2,82,453, सरगुजा जिले में 2,80,295, बलरामपुर जिले में 2,76,490। जो 5 नवगठित जिले हैं उनके भी आंकड़े आप याद करिएगा। ठीक है, अगर हम महिलाओं की बात करें, अनुसूचित जनजाति महिला जनसंख्या, अगर इसके टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट की बात करें, बस्तर, जशपुर, कोरबा, सरगुजा, बलरामपुर, सेम है। ठीक है, बस्तर जिले में 3,09,720 अनुसूचित जनजाति महिला जनसंख्या निवास करती है। जशपुर जिले में 2,96,628, कोरबा जिले में 2,85,551, सरगुजा जिले में 2,79,834 और बलरामपुर जिले में 2,75,112 अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग निवास करती है। ठीक, अगर हम बॉटम 5 डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो न्यूनतम महिला अनुसूचित जनजाति जनसंख्या निवास करती है आपके बेमेतरा जिले में, मात्र 48,853। सेकेंड लास्ट है खैरागढ़ छुईखदन गंडई, 61,559 और थर्ड लास्ट है आपका सारंगढ़ बिलाईगढ़, 90,697। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगर हम बात करें पुरुष वर्ग की, छत्तीसगढ़ में सबसे कम पुरुष अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो बेमेतरा 24,447, सेकेंड लास्ट खैरागढ़ छुईखदन गंडाई 30,206 और थर्ड लास्ट है सारंगढ़ बिलाईगढ़ जहाँ में 44,713। सेम है सीक्वेंस। अनुसूचित जनजाति महिला सबसे कम किस जिले में निवास करती है, तो बेमेतरा में 24,396, सेकेंड लास्ट है खैरागढ़ छुईखदन गंडई 31,453 और थर्ड लास्ट है जांजगीर चांपा 44,965। देखिए, जो गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल इकोनॉमिक सर्वे आया है, अगर आप उसको उठा करके देखेंगे ना, तो उसमें केवल एक बार डायग्राम बना दिया है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आपको टेबुलेशन फॉर्म में पूरा सीक्वेंस में अरेंज करके दिया हूँ ना, वैसा नहीं है, पूरा एक बार डायग्राम बना दिया है, उसमें आपको एक एक चीज़ को राउंड करके पढ़ना पड़ेगा। आपके सहूलियत के लिए इसे मैंने टेबुलेशन फॉर्म में रखा है ताकि आप कंपेयर करते हुए पढ़ सके। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो आपके बॉटम 3 डिस्ट्रिक्ट है, इनका सीक्वेंस सेम है। ठीक है, तो कंपैरिजन करने में आसानी होता है। अगर छत्तीसगढ़ की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की बात की जाए, तो 90,51,273 ये अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है। पुरुष अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कितनी पूछा जाए, तो 44,67,090 ये पुरुष अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है और 45,84,183 ये छत्तीसगढ़ में कुल महिला अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है
छत्तीसगढ़ लिंगानुपात सेक्स रेशियो 1 मार्च 2024 तक की स्थिति में। हमने पहले ही देख लिया है कि छत्तीसगढ़ का कुल लिंगानुपात कितना है, 992। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति वर्ग का लिंगानुपात कितना है, 995। और छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात, अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 995, जनजाति का लिंगानुपात 1026। अब इसमें भी हम टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट और बॉटम 5 डिस्ट्रिक्ट देखेंगे। देखिए क्योंकि ना क्या होता है, ये लिंगानुपात वाले टॉपिक से, जनसंख्या वाले टॉपिक से कई बार सीक्वेंस जमाने के लिए बढ़ते क्रम में जिलों को जमाइए या घटते क्रम में जिलों का क्रम कौन सा सही है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है और पूछे भी गए हैं। अब देखिए छत्तीसगढ़ का कुल लिंगानुपात है आपका 992। छत्तीसगढ़ में किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ में कोंडागांव जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है 1048, हजार से ज़्यादा है 1048। सेकेंड नंबर पर है बालोद जिला 1028, थर्ड नंबर पर है दंतेवाड़ा जिला 1027, फोर्थ नंबर पर है बस्तर जिला 1025 और फिफ्थ नंबर पर है गरियाबंद जिला 1025। फोर्थ और फिफ्थ दोनों सेम है ना, 1025 1025। ठीक, देखिए लिंगानुपात क्या होता है, 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कितनी है, ये दर्शाता है आपका लिंगानुपात। अगर आप देखेंगे तो इन सभी के सभी डिस्ट्रिक्ट में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या या इन जिलों में ज़्यादा है। तो सर्वाधिक पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो वो है आपका कोंडागांव जिले में 1048। ठीक, और सबसे कम किस जिले में पूछा जाए तो सबसे कम लिंगानुपात है आपका जांजगीर चांपा जिले में। छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात कितना है, छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात है 992 और छत्तीसगढ़ में सबसे कम लिंगानुपात है जांजगीर चांपा जिले का 964। सेकेंड लास्ट है आपका मुंगेली जिला 966, थर्ड लास्ट है 967 के साथ बिलासपुर जिला। वैसे ही बीजापुर में है 971 और रायपुर में है 973 लिंगानुपात, ठीक है, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। जो नवगठित जिले हैं उनका भी याद रखना, सक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़, मोहिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, इनके भी आंकड़े को थोड़ा सा याद रखिएगा। अगर आप देखेंगे एक आदि का अगर एग्जांपल दो तो सारंगढ़ बिलाईगढ़ 990 लिंगानुपात है, ठीक है, ये नवगठित जिले के नवीनतम आंकड़े हैं, इनको ये थोड़ा सा हाईलाइट में रहेंगे, इनके आंकड़े को थोड़ा याद रखना। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, अच्छा एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ के कुल कितने जिलों में लिंगानुपात 1000 से अधिक है। ध्यान सुनना, प्रश्न पूछा जा रहा है छत्तीसगढ़ के कुल कितने जिलों में लिंगानुपात 1000 से ज्यादा है। तो कितने में 1000 से ज्यादा है, देखिए राजनांदगांव जिले तक टोटल जिले कितने हैं, 13। कोंडागांव, बालोद, दंतेवाड़ा, बस्तर, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी, मोहिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, जशपुर, कांकेर, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही और आपका राजनांदगांव, ये वे जिले हैं जहां पर लिंगानुपात 1000 से अधिक है। यानी कि इन जिलों में महिलाओं की जो आपका 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आबादी ज़्यादा है, महिलाओं की लिंगानुपात ज़्यादा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। डायरेक्ट पूछेगा कि छत्तीसगढ़ के कुल कितने जिलों में लिंगानुपात 1000 से ज्यादा है, तो कुल कितने जिले हैं, कुल 13 जिले हैं। सर्वाधिक किस जिले में है, कोंडागांव जिले में है। सबसे कम किस जिले में, सर्वाधिक और सबसे कम आपको याद रखना है, और 1000 से अधिक कुल कितने जिलों में है, आंकड़े भी याद रखना है, जिलों के नाम को भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला जिसकी लिंगानुपात 1000 से कम है, चार ऑप्शन देगा, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, मोहिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी और एक दे देगा सुकमा। 1000 से कम है पूछा है, तो 1000 से कम किस में है, सुकमा में है, बाकी सब में 1000 से ज़्यादा है, ठीक, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात, दोनों को एक साथ कवर कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति लिंगानुपात कितना है, देखिए छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति लिंगानुपात सर्वाधिक है आपके बस्तर जिले में 1054, सेकेंड नंबर पर है राजनांदगांव 1049, थर्ड नंबर पर है बालोद 1047, फोर्थ नंबर पर है खैरागढ़, छुईखदान, गंडई 1000
39, फिफ्थ नंबर पर धमतरी 1034। ये छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक अनुसूचित जाति लिंगानुपात वाले जिले हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात वाले जिले कौन सा है? दंतेवाड़ा 1075। सेकंड नंबर पर है कोंडागांव 1069। थर्ड नंबर पर है मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी 1051। फोर्थ नंबर पर है आपका बालोद 1050। फिफ्थ नंबर पर है बस्तर 1049। ठीक है, और ये वाला डाटा काफी इंपॉर्टेंट है, अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात वाला, क्योंकि मैंने बताया है जनजाति वाले टॉपिक से जनजाति वाले जनसंख्या वाले आंकड़े पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में किस जिले में अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो वो है दंतेवाड़ा जिला। कुल लिंगानुपात सर्वाधिक है कहाँ पे? कोंडागांव जिले में। किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात सर्वाधिक पूछा जाएगा, तो वो है दंतेवाड़ा जिला 1075। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, अब बॉटम फाइव डिस्ट्रिक्ट अगर हम देखिए छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति लिंगानुपात है 995। सबसे कम है आपका 753 के साथ सुकमा, अनुसूचित जाति की बात हो रही है, अनुसूचित जाति लिंगानुपात सबसे कम है सुकमा। सेकंड लास्ट है बीजापुर 916, थर्ड लास्ट है नारायणपुर 950, फोर्थ लास्ट है दंतेवाड़ा 460, और फिफ्थ लास्ट है आपका 962 के साथ बलरामपुर। अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात छत्तीसगढ़ का 1026, ये 1026 वाले आंकड़े को भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जांजगीर चांपा में सबसे कम है 965 अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात, सेकंड लास्ट है दुर्ग 987 के साथ, और थर्ड लास्ट है आपका कोरिया 954, फोर्थ लास्ट है 994 के साथ कोरिया थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट है बलरामपुर 995 के साथ, और फिफ्थ लास्ट है बेमेतरा 998 के साथ, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ कुछ जिलों की अगर हम बात करें, जैसे दुर्ग जिला, दुर्ग जिले में अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात कम है। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है, डेवलप सिटी है, यहाँ पर आजू बाजू के जिलों से पुरुष वर्ग पलायन करके काम के लिए इस जिलों में प्रवेश करते हैं, इसलिए यहाँ पे जो है महिला लिंगानुपात कम हो जाता है और पुरुषों की आबादी बढ़ जाती है। इसलिए इन अगर आप देखेंगे जितने भी आपके डेवलप सिटी है वहाँ पे लिंगानुपात अगर आप कंपेयर करेंगे तो वहाँ का लिंगानुपात जनरली कम ही मिलेगा आपको। ठीक है, थोड़ा सा ये फैक्चुअल चीज़ों को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगर किसी जिले में लिंगानुपात ज़्यादा है तो उसका कारण क्या है, किसी जिले में लिंगानुपात कम है तो उसका कारण क्या है, किसी जिले में पुरुष जनसंख्या ज़्यादा है तो उसका कारण क्या है, किसी जिले में पुरुष जनसंख्या अगर आप देखेंगे रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा, ये सभी के सभी छत्तीसगढ़ के डेवलप सिटी है। ठीक है, यहाँ पर जो है बहुत सारे इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री स्टेबलाइज है, रोजगार के बहुत सारे अवसर है, तो आसपास के जिलों के जो पुरुष वर्ग है ये पलायन करके इन जिलों में पहुँचते हैं, इस कारण से इन जिलों में पुरुषों की जनसंख्या हो, लिंगानुपात हो, इसमें आपको प्रभाव देखने के लिए मिलेगा ही। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत 1 मार्च 2024 तक की स्थिति में। छत्तीसगढ़ की कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत कितना है? कुल कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत है 48.72%, देख चुके हैं। पुरुष कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत है 57.97%, 57.97%, और महिला कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत है 39.40%। अगर हम टॉप फाइव डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या निवास करती है, किस कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत किस जिले का है, तो वो है 61.01% के साथ शक्ति जिला। सेकंड नंबर पर है जशपुर, थर्ड नंबर पर है मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी। जशपुर का है 60.81 और मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी का है 58.91। अगर हम बात करें पुरुष कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत का, तो शक्ति जिले का सर्वाधिक, शक्ति जिला सर्वाधिक है पुरुष कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत के मामले में। शक्ति जिले का 66.90, सेकंड नंबर पर है जशपुर 66.58, और थर्ड नंबर पर है जांजगीर चांपा 65.91। अगर हम बात करें महिला कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत का, तो फर्स्ट नंबर पर है कोंडागांव जिला 55.77, सेकंड नंबर पर है मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी 55.12, थर्ड नंबर पर है जशपुर 55.09। ठीक, अगर हम बॉटम थ्री डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो छत्तीसगढ़ में सबसे कम कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत है आपके रायपुर जिले का। रायपुर जिले में है 40.76%, उसके बाद सेकंड लास्ट है दुर्ग 41.97%, और थर्ड लास्ट है आपका मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर 42.48। अगर पुरुष कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत की बात करें तो सबसे कम है नारायणपुर जिले में, सेकंड लास्ट है बलरामपुर,
थर्ड लास्ट है कबीरधाम, उनके प्रतिशत को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम बात करें महिला कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत की, तो सबसे कम है दुर्ग जिला, उसके बाद सेकंड लास्ट है रायपुर और थर्ड लास्ट है आपका रायगढ़। इसके ही परसेंटेज को आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। दुर्ग का है 23.70, रायपुर का है 24.05 और रायगढ़ का है आपका 29.29%। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आकांक्षी जिला। आकांक्षी जिले से भी संबंधित कुछ आंकड़े दिए गए हैं इस बार आर्थिक सर्वेक्षण में। आकांक्षी जिला कार्यक्रम क्या है, यहाँ पे जो डेफिनेशन दिया गया है पहले वो पढ़ के आपको बताता हूँ, फिर कुछ एग्जांपल दूंगा जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो कि जनवरी 2018 में प्रारंभ किया गया था, इसका उद्देश्य देश के सबसे पिछड़े हुए जिलों का विकास करना था। आकांक्षी जिला कार्यक्रम का उद्देश्य था, इसके लिए जिलों में 5 प्रमुख बिंदुओं में कार्य किया जाएगा, जैसे कि स्वास्थ्य व पोषण, कृषि व जल संसाधन, शिक्षा, वित्तीय समावेश और कौशल तथा बुनियादी अधोसंरचना। इस योजना की सहायता से पिछड़े जिलों के विकास इन सूचकांक को राष्ट्रीय स्तर पर बराबर लाने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में बहुत से ऐसे जिले हैं जो कि काफ़ी पिछड़े हुए हैं। उसका मुख्य कारण क्या है, उनकी भौगोलिक स्थिति, यानी कि बहुत से ऐसे जिले हैं जो कि काफ़ी दुर्गम क्षेत्र में, जैसे कि नारायणपुर, जिसका नाम नारायणपुर जो कि पूरा का पूरा अबूझमाड़ का जंगल है, जिसे बूझा नहीं जा सकता, जिसे जाना नहीं जा सकता, ठीक है, दुर्गम एरिया में है। बहुत से ऐसे आपके क्षेत्र है जो कि दुर्गम बसाहटों में है, वहाँ पर जो है सड़कों की कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ पर जो है अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँचा है, ढंग से पेयजल आपूर्ति नहीं है, वहाँ पर जो आपके निवास करने वाले जो आदिवासी जनजाति बहुल है वो समाज की मुख्य धारा में शामिल ही नहीं होना चाहते, तो ऐसे जिलों को चिन्हांकित किया गया था आकांक्षी जिले कार्यक्रम के अंतर्गत। पूरे के पूरे भारत भर में से इस आकांक्षी पूरे भारत भर में आकांक्षी जिलों की कुल संख्या है 112 अक्टूबर 2023 तक की स्थिति में। देखिए, ये ऐसे जिले हैं, आकांक्षी जिलों की अगर हम बात करें, ये ऐसे जिले हैं जिनके पास विकास के पर्याप्त संसाधन मौजूद है, इसके बावजूद भी वो पिछड़े हुए हैं। अगर इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं दूं तो बस्तर संभाग के जिले, बस्तर संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। हमारे बस्तर संभाग में NMDC के द्वारा लौह अयस्क का उत्खनन किया जाता है। छत्तीसगढ़ के जो बस्तर संभाग है वहां से टीन का प्रोडक्शन होता है। पूरे के पूरे भारत में टीन का उत्पादन करने वाला एकमात्र आपका राज्य है हमारा छत्तीसगढ़। पूरे भारत में टीन का अकेला प्रोडक्शन करता है और सप्लाई करता है, यानी कि खनिज संसाधन से भरपूर है, उनके पास विकास के लिए पर्याप्त संसाधन, स्वयं के संसाधन मौजूद है, उसके बाद भी ये लोग पिछड़े हुए। तो इन जिलों को चिन्हित करके सबसे पहले इन्हें जो है मुख्य धारा में शामिल किए जाने का प्रयास किया जा रहा है इस आकांक्षी जिले कार्यक्रम के द्वारा। सबसे पहले इसकी संख्या जो है, आकांक्षी जिलों को टोटल संख्या 117 थी, कई जगह आपको 115 लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन नीति आयोग के अक्टूबर 2023 तक की स्थिति में, जो उसका ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके अक्टूबर 2023 तक की स्थिति में भारत में कुल 112 आकांक्षी जिले है, ठीक है। अगर हम आकांक्षी विकास खंडों की बात करें, ब्लॉक्स की बात करें, तो उनकी संख्या है 500। पूरे भारत में 500 विकास खंडों का चयन किया गया है। इस कार्यक्रम में 5 क्षेत्रों में 49 सूचकांक को आधार बनाया गया, ये है आपके 5 क्षेत्र में 49 सूचकांक को आधार बनाया गया है। अगर हम बात करें, देखिए, पूरे भारत भर में टोटल आपके 112 आकांक्षी जिले हैं, जिसमें से सर्वाधिक आपके आकांक्षी जिले किस राज्य में शामिल है पूछा जाए तो झारखंड से 19 जिले शामिल है, सेकंड नंबर पर है बिहार से 13 जिले शामिल है, और थर्ड नंबर पर है हमारा छत्तीसगढ़, जिसमें से आपका 10 जिले आकांक्षी जिले की सूची में शामिल है। अब ये 10 जिले कौन कौन से हैं, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, राजनांदगांव, महासमुंद और कोरबा। याद करने में दिक्कत नहीं होगा, जैसे कि मैंने बताया बस्तर संभाग, पूरा का पूरा बस्तर संभाग ले लीजिए, बस्तर संभाग के अंतर्गत 7 जिले कौन कौन से, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, ठीक है, इसके अलावा आपका राजनांदगांव, कोरबा और महासमुंद। तो टोटल आपके 10 जिले जो कि इस आकांक्षी जिले कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल है, ठीक। अब इसकी एक रैंकिंग भी है, वो रैंकिंग आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया था, थोड़ा ध्यान देना। आकांक्षी विकास खंड ब्लॉक रैंकिंग, जिलों की नहीं ब्लॉक की बात की जा रही है, भारत के कुल 500 आकांक्षी विकास खंडों में छत्तीसगढ़ के 20 आकांक्षी विकास खंड है। जिलों की संख्या कितनी है 10, विकास खंडों की संख्या कितनी है 20। छत्तीसगढ़ के इन 20 विकास खंडों में नारायणपुर विकास खंड छत्तीसगढ़ में प्रथम रैंक पर व 20वें स्थान पर है कोयली बेड़ा विकास खंड। देखिए,
ये है कुछ आपके टॉप लिस्टेड जो आकांक्षी जिले। अगर हम बात करें पूरे भारत भर में, कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले का मास्की विकास खंड ये टॉप में है। वैसे अलग अलग राज्यों का दिया गया है। अगर हम यहाँ पे बात करें छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले का गरियाबंद विकास खंड ओवरऑल रैंकिंग है 105, ठीक है। उससे पहले छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले का ओरछा विकास खंड, इसकी ओवरऑल रैंकिंग कितनी है 21। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में स्वयं किसकी रैंकिंग कितनी है, छत्तीसगढ़ राज्य में नारायणपुर विकास खंड के जो छत्तीसगढ़ का प्रथम रैंक है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कौन सा आकांक्षी जिला प्रथम रैंक पर है पूछा जाए तो वो है नारायणपुर जिले का ओरछा विकास खंड, ठीक है, ये बोला जा रहा है। और सबसे बॉटम में कौन सा है, छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले का कोयलीबेड़ा विकास खंड। तो ये सभी की सभी रैंकिंग दी गई है, एक नज़र इसमें रख लीजिएगा। अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कुल कितने जिले शामिल है तो 10 जिले शामिल है, कुल कितने विकास खंड शामिल है पूछेगा तो 20 विकास खंड शामिल है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023, अभी हाल ही में जो है, यानी कि दिसंबर एंडिंग और जनवरी के स्टार्टिंग में नीति आयोग के द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें बहुआयामी गरीबी के डाटा थे। देखिए इसमें जो है आपके, ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, इस रिपोर्ट में मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, जो करंट अफेयर जनवरी या फरवरी अगर महीने का जो करंट अफेयर है उसमें मैंने काफ़ी डिटेल वीडियो बनाया है, और जो हमारा करंट अफेयर का लास्ट एडिशन भी आया था बुक, उसमें ही मैंने काफ़ी डिटेल में से बताया है। इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा, ये इसका दूसरा संस्करण है, पहला संस्करण 2021 में पब्लिश हुआ था। रिपोर्ट ये जो आपका राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, इसका जो रिपोर्ट है ये राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2019-21 के आधार पर है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इसे पेश किया गया है। देखिए इस रिपोर्ट के आधार पर बहुआयामी गरीबी से मुक्ति, भारत के लगभग 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हो चुके हैं। देखिए बहुआयामी गरीबी का मतलब केवल पैसों से गरीब नहीं, उसमें स्वास्थ्य भी देखा जाता है, पोषण भी देखा जाता है, शिक्षा का स्तर भी देखा जाता है, ये बहुत सारे पैमाने हैं, आगे हम पैमाने को देखेंगे। तो गरीबी का मतलब केवल पैसों से गरीबी नहीं मापी जा रही, उसमें जीवन का स्तर भी देखा जा रहा है, ठीक है। तो पूरे के पूरे भारत भर में बहुआयामी गरीबी से बाहर आने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 13.5 करोड़, 13.5 करोड़ लोग जो है बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं, यानी कि पिछली रिपोर्ट जो थी जो कि 15-16 पर आधारित थी उसके कंपैरिजन में 2019-21 के बीच में ये डाटा जारी किया गया, पिछले रिपोर्ट के कंपैरिजन में। अगर बात किया जाए इस बार जारी रिपोर्ट के आधार पर बहुआयामी गरीबी जनसंख्या प्रतिशत कितना है तो वो है 14.96%। भारत की बहुआयामी गरीबी में जीने वाले लोगों की जनसंख्या है, भारत की कुल जनसंख्या का 14.96% जनसंख्या बहुआयामी गरीबी जनसंख्या है, ठीक। और अगर गिरावट की बात की जाए पिछले रिपोर्ट की तुलना में, इस साल के रिपोर्ट में गरीबी जनसंख्या में 9.89% की गिरावट दर्ज की गई है पिछले 5 वर्षों के कंपैरिजन में, ठीक है। अब देखिए सूचकांक का, जैसे मैंने आपको आधार बताया, गरीबी का मतलब केवल पैसों के आधार पर गरीबी नहीं, इस बहुआयामी गरीबी के तीन आयाम है, तीन आयाम कौन कौन सा, स्वास्थ्य का स्तर, शिक्षा का स्तर और जीवन का स्तर, ये इसके तीन आयाम है, ठीक है। यहाँ पे 1/3 का मतलब क्या है, इसे वेटेज दिया गया है, यानी कि पूरे के पूरे सूचकांक में जो तीन आयाम निर्धारित हुए हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन का स्तर, इसमें इनकी भागीदारी है, यानी कि 33% ऐसे बात हो रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य के अंतर्गत पोषण शामिल है, बाल और किशोर मृत्यु दर शामिल है, मातृ स्वास्थ्य शामिल है। अगर बात करें शिक्षा की तो स्कूल शिक्षा के वर्ष कितना है बच्चों का, स्कूल में बच्चों की उपस्थिति क्या है, ये शामिल किया गया है। अगर हम बात करें जीवन स्तर की तो जीवन स्तर में, यानी कि लोगों के पास खाना पकाने का ईंधन है या नहीं, स्वच्छता का स्तर क्या है, पीने के पानी की उपलब्धता क्या है, बिजली की व्यवस्था कैसी है, आवास की व्यवस्था कैसी है, उनकी संपत्ति कितनी है, बैंक खाते कितने हैं, ये इसके पैमाने हैं, ठीक है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो यहाँ पर डिटेलिंग दिया गया है, अगर मैं इतना पढ़ने जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, ठीक है। आप इसे रोक करके आराम से पढ़ सकते हैं, जो नोट्स बना रहे होंगे वो नोट्स बना सकते हैं, वीडियो को थोड़ा देर के लिए पॉज कर लीजिए और इसे आप अपना नोट डाउन कर सकते हैं,
ठीक है, इसे पूरा डिटेल लिखा हुआ है कि पोषण है तो पोषण का क्या आपका पैमाना है, एक परिवार को वंचित माना जाएगा, ठीक है, इसमें जो है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में एक परिवार को वंचित माना जाएगा, 0 से 59 महीने की उम्र का कोई भी बच्चा या 15 से 49 साल की उम्र की महिला या 15 से 54 साल उम्र के बीच के पुरुष जिनके लिए पोषण संबंधित जानकारी उपलब्ध है कुपोषित पाया जाता है। तो ऐसे सभी का डिटेलिंग दिया गया है, यहाँ पे उनका हिस्सा कितना है, यानी कि स्वास्थ्य को जो 1/3 हिस्सा दिया गया है उसमें से 1/6 हिस्सा पोषण को दिया गया है, 1/12 हिस्सा आपका बाल और किशोर मृत्यु दर को दिया है, 1/12 हिस्सा आपका दिया गया है मातृ स्वास्थ्य को। तो ये हिस्से को भी थोड़ा सा याद रख लेना, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके पूछ दे कि भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में स्वास्थ्य के आयाम में पोषण की भागीदारी कितनी है, 1/6 भागीदारी है, तो ये भागीदारी को भी थोड़ा याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा सब डिटेलिंग दिया गया है, तो इसको भी जो है आप पॉज करके उसका पूरा डिटेलिंग लिख सकते हैं, बाकी हमारे आर्थिक सर्वेक्षण के बुक में ये सारा चीज़ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक। जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल इकोनॉमिक सर्वे है उसमें तो इंग्लिश में दिया गया है, इसे ट्रांसलेट करके हिंदी मैंने आपके सहूलियत के हिसाब से यहाँ पर आपके लिए हिंदी ट्रांसलेट करके मैंने बुक में भी लिख दिया है और सामने स्क्रीन में भी आपको दिख रहा है, इसे आराम से बैठ करके पढ़ लीजिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम बात करें बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स में राज्यों की स्थिति की अगर हम बात करें 2023 में, तो भारत में सर्वाधिक देखिए 28 जिलों की बहुआयामी गरीबी सूचकांक की बात हो रही है। यहां पर जो ये दिया गया है डेसिमल में, ये क्या है, ये है स्कोर, क्या है, स्कोर है। अगर हम बात करें भारत में सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी जनसंख्या कहां निवास करती है, तो वो है आपके बिहार राज्य में, सेकेंड नंबर पर है मेघालय, थर्ड नंबर पर है झारखंड और फोर्थ नंबर पर है आपका उत्तर प्रदेश, फिफ्थ नंबर पर है आपका मध्य प्रदेश। इनका स्कोर कितना है वो पढ़ सकते हैं। सबसे कम बहुआयामी गरीबी जनसंख्या किस जिले में, किस राज्य में निवास करती है, सॉरी जिला बोल रहा हूँ, राज्य, किस राज्य में निवास करती है, फर्स्ट नंबर पर है केरल, सेकेंड नंबर पर है गोवा, थर्ड नंबर पर है तमिलनाडु, फोर्थ नंबर पर है सिक्किम, फिफ्थ नंबर पर है हिमाचल प्रदेश। तो इन राज्यों में सबसे कम बहुआयामी गरीबी जनसंख्या है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो इन 28 राज्यों में छत्तीसगढ़ की रैंकिंग है 8वें स्थान पर, 8th पोजीशन पर, स्कोर कितना है 0.07, ये इसका स्कोर है, ठीक। देखिए ये तो हो गया स्कोर की बात। अगर हम बात करें आबादी की, बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने वाली आबादी, यानी कि पिछला जो रिपोर्ट का आधार था 2015-16, यानी कि जो पिछला रिपोर्ट आया था 2021 में, और अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आया है जिसका आधार है 2019-21, तो ये जो पाँच साल का जो आपका गैप है, ये नेशनल फैमिली, ये जो है ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 4 है, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5 है, इसी को ही आधार बनाया गया। ये रिपोर्ट आपका आया था 2021 में बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ये रिपोर्ट आया है अभी आपको 2023 में। तो ये देखिए ये रिपोर्ट है, आप बोलेंगे 5 साल का गैप कैसे, ये जो आपका जो इसका आधार बनाया गया है 4 और 5, ये 2015 और 2019, ये है 5 साल का गैप, ठीक है। वरना बोलेंगे सर 2021 और 2023 के बीच है तो मात्र 2-3 साल का गैप आ रहा है। तो ये जो गैप है, ये जो इसका आधार बनाया गया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 4 और 5, उसकी बात हो रही है। तो पिछले 5 सालों में भारत में बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने वाली आबादी कुल कितनी है, ठीक है, 15-16 के कंपैरिजन, 2019-21 के कंपैरिजन में और 2015-16, यानी कि 2015-16 से लेकर के 2019-21 के बीच में कितनी आबादी बहुआयामी गरीबी से बाहर आई है। अगर हम ओवरऑल भारत की बात करें तो हमने देखा था 13.5 करोड़ आबादी बहुआयामी गरीबी से बाहर आ चुके हैं, अब वो गरीब नहीं है। अगर हम बात करें कि सर्वाधिक बहुआयामी से गरीबी से बाहर किस राज्य में लोग आए हैं, तो वो है उत्तर प्रदेश, जहां पर आपका 3,42,72,484 लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ चुके हैं। सेकेंड नंबर पर है बिहार, जहां पर आपका 2,25,11,679 लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। थर्ड नंबर पर है मध्य प्रदेश, फोर्थ में राजस्थान, फिफ्थ में है पश्चिम बंगाल। अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में टोटल 40,18,328 लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। सबसे कम बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं आपके सिक्किम से,
ठीक है, सिक्किम से जो है 8236 लोग ही मात्र बाहर आए हैं। ओवरऑल अगर हम इंडिया की बात करें तो ओवरऑल इंडिया में आपका 13,54,61,35 लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। लमसम में बात करें तो 13.5 करोड़ आबादी बहुआयामी गरीबी से बाहर आई है पिछले 5 सालों में। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बहुआयामी गरीबी सूचकांक में छत्तीसगढ़ की स्थिति। यहाँ पे दिया गया है आपका स्कोर, ठीक है, स्कोर डेसिमल में। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 4 के आधार पर यानी कि 2015-16 में छत्तीसगढ़ का कुल स्कोर था 0.133, ठीक है, जबकि नया जो रिपोर्ट आया है, जो न्यू रिपोर्ट आया है, उसमें छत्तीसगढ़ का स्कोर है 0.07, यानी कि काफ़ी अच्छा है, बढ़त मिली है। देखिए इस टेबल को याद रखना, इसमें छत्तीसगढ़ का कुल स्कोर दिया गया है बहुआयामी गरीबी सूचकांक का, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का, ग्रामीण क्षेत्र का दिया है, शहरी क्षेत्र का दिया है, ठीक है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के आधार पर बहुआयामी गरीबी सूचकांक स्कोर ग्रामीण क्षेत्र का अभी लेटेस्ट कितना है 0.084, शहरी क्षेत्र का कितना है 0.019। 2015-16 का याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन लेटेस्ट को याद रखना कि छत्तीसगढ़ का बहुआयामी गरीबी सूचकांक कितना है, कुल कितना है 0.07, ग्रामीण क्षेत्र का कितना है 0.084 और शहरी क्षेत्र का कितना है 0.019, इसे कम से कम याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ बहुआयामी गरीबी गणना 2023 में प्रत्येक संकेतकों का प्रतिशत भागीदारी एवं योगदान। अब इसको याद कर सकिए, देखिए इसमें जो है क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ बहुआयामी गरीबी गणना 2023 में पोषण सूचकांक का प्रतिशत कितना अनुमानित रहा, स्वास्थ्य सूचकांक का, स्वास्थ्य संकेतक का प्रतिशत कितना अनुमानित रहा, तो ये प्रतिशत को भी याद रख लेना। इसमें भी अगर आप 2015-16 का याद, देखिए 15-16 का यहाँ मैंने दिया है कंपैरिजन के लिए, 15-16 का याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम 19-21 का याद रखिएगा। सॉरी, स्वास्थ्य में पोषण, पोषण का परसेंटेज है 31.54, स्वास्थ्य का है 1.65%, मातृत्व स्वास्थ्य का है आपका 11.69%, स्कूल शिक्षा के वर्ष का है 13.61%, स्कूल में सुधार की स्थिति है आपका 8.62%। सॉरी, अगर हम जीवन स्तर की बात करें तो जीवन स्तर में है खाना पकाने के ईंधन 10.45%, स्वच्छता का है 5.42%, पीने के पानी का है 2.23%, बिजली का है 0.54%, आवास का है 9.88%, संपत्ति का है 3.4% और बैंक खाते का 0.98%। ठीक है, इसे एक नज़र में याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए इसमें इतने सारे डाटा दिए गए हैं जिसे देख करके दिमाग घूम सकता है, ठीक है, और ये टॉपिक बोरिंग लग सकता है, लेकिन टॉपिक को बोरिंग बनाइएगा मत, आपको एग्ज़ाम निकालने हैं। क्वेश्चन का स्तर दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और ऐसे कुछ नए पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। 33 जिलों से नए आंकड़े आए हैं तो इन जिलों से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना भी रहेगी। ठीक, अब देखिए प्रश्न पूछा जाएगा कि देखिए यहाँ क्या दिया है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक में छत्तीसगढ़ के जिलों का स्कोर। ठीक है, यहाँ पे आप स्कोर पढ़ना चाहे तो स्कोर पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान सुनना। प्रश्न पूछा जाएगा कि आपके नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक बहुआयामी गरीब आबादी निवास करती है, तो वो है आपका बीजापुर। फर्स्ट नंबर पर है बीजापुर, सेकंड नंबर पर है सुकमा और थर्ड नंबर पर है नारायणपुर। ये वे जिले हैं जहां पर सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी निवास करती है। ठीक है, और सबसे कम बहुआयामी गरीबी किस जिले की है पूछा जाए तो सबसे कम बहुआयामी गरीबी है आपके दुर्ग जिले की। दुर्ग, उसके बाद है सेकंड लास्ट है बालोद और थर्ड है आपका धमतरी। इसको कम से कम याद रखिएगा, स्कोर याद कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, कम से कम लेटेस्ट को याद रखिएगा, 0.070 आपका स्कोर है छत्तीसगढ़ का। तो ये है, देखिए ये क्या है,
छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बहुआयामी गरीब किस जिले में है? बीजापुर जिले में। सेकंड सुकमा जिले में। थर्ड नारायणपुर जिले में। सबसे कम बहुआयामी गरीबी किस जिले में पूछा जाए? दुर्ग जिले में। सेकंड लास्ट बालोद जिला और थर्ड है आपका धमतरी। अब कुछ यहाँ पे मिसलेनियस फैक्ट दिया गया है जिसे एक नज़र में याद रखिए। देखिए ये कथन आधारित प्रश्न में आपसे काम आएगा। 2015-16 से 2019-21 में छत्तीसगढ़ मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स क्रमशः 0.133 से 0.07 अर्थात 2015-16 की तुलना में 2019-21 में छत्तीसगढ़ राज्य में सुधार हुआ है बहुआयामी गरीबी सूचकांक में। यानी कि 0.133 से 0.07 हुआ, यानी क्या हुआ, स्थिति में सुधार हुआ है। 2015-16 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट में नारायणपुर जिले में उच्चतम मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स 0.255 थी, जबकि 2019-21 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट में 0.183 थी, जो कि दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ के दूरदराज इलाकों में बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का प्रावधान बढ़ रहा है। 2019-21 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5 दुर्ग में न्यूनतम आपका मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स 0.14, बीजापुर में उच्चतम 0.262 है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 4 2015-16 और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5 2019-21 की तुलना में यह स्पष्ट होता है कि सभी जिलों ने 2015-16 से 2019-21 तक अपने बहुआयामी गरीबी स्कोर में सुधार किया है, जो छत्तीसगढ़ के लिए एक अच्छा संकेत है कि राज्य साल दर साल धीरे धीरे विकसित हो रहा है। तो यहाँ पर जो है आपका अध्याय 2 होता है समाप्त। ठीक है, आंकड़े को, टॉपिक को बोरिंग मत बनाइएगा। लेटेस्ट डाटा आया है 1 मार्च 2024 तक की स्थिति में इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। टॉप 5 के डिस्ट्रिक्ट कौन से है, बॉटम 5 के डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से है, सर्वाधिक कहां पर जनसंख्या है, सबसे कम जनसंख्या क्या कहां पर है, टॉप 5 का सीक्वेंस को थोड़ा सा ध्यान में रखना, जनजाति से संबंधित जो भी आंकड़े आपको बताया गया है वो याद रखना, कार्यशील जनसंख्या के आंकड़े को याद रखना, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगर आर्थिक सर्वेक्षण में जनसंख्या का टॉपिक से क्वेश्चन आया तो इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन घूमेगा। बहुआयामी गरीबी सूचकांक ऐड किया गया है आपके आर्थिक सर्वेक्षण में, तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।